हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे शुड, मस्ट और ऑट टू। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं शुड। फ्रेंड्स, शुड को हम यूज करते हैं सजेशन के लिए। फ्रेंड्स, सजेशन जो है वो जनरल सेंस में होना चाहिए। जनरल सेंस मींस नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। लेते हैं एक और, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, जब आप किसी को एक जनरल सेंस में सजेशन देते हैं, जब आप जनरल सेंस में सजेशन देते हैं तो आपको शुड का यूज करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। फ्रेंड्स, मस्ट को भी हम सजेशन के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन ये जो सजेशन होता है वो होता है किसी जरूरी काम को करने के लिए। जैसे मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, यानी आप फोर्स करके कहते हैं कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए। चलिए देखिए, इन्हीं को ही देख लीजिए बच्चों। अगर मैं बोलता हूं आपको यहां जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हेयर। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और, उसे अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, ही मस्ट लर्न इंग्लिश। हैव यू अंडरस्टूड गाइस? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ऑट टू। फ्रेंड्स, ऑट टू हम यूज करते हैं जब कोई भी सजेशन सोशली रिक्वायर्ड हो। सोशली रिक्वायर्ड का मतलब बच्चों समाज में सभी के लिए जरूरी हो। लेते हैं एक एग्जांपल, आपको पूजा करनी चाहिए। बच्चों, पूजा करना समाज में सभी के लिए जरूरी है। यू ऑट टू वर्शिप। एक और लेते हैं, उसे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ही ought to respect his elders। फ्रेंड्स, एक बार आप इनको देख लें,
और फिर हम लोग सीखेंगे इसका पास्ट वर्जन. टेक योर टाइम. ओके फ्रेंड्स, सीखते हैं शुड, मस्ट और ऑट टू का पास्ट वर्जन. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इसका पास्ट वर्जन बनाने के लिए हमें शुड के साथ हैव लगाना है और प्लस v3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसे वहां जाना चाहिए था. He should have gone there. रोहन को मुझसे बात करनी चाहिए थी. रोहन should have talked to me. Friends, लेते हैं next. Must have. Friends, must have के साथ भी हमको verb की third form चाहिए. उसे यहां जरूर आना चाहिए था. He must have come here. फ्रेंड्स, लेते हैं एक और सेंटेंस. आपको हिंदी जरूर सीखनी चाहिए थी. यू मस्ट हैव लर्न्ड हिंदी. फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास ought to have. फ्रेंड्स, ought to have के साथ भी हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए. लेते हैं एक और सेंटेंस. उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था. He ought to have respected his parents. फ्रेंड्स, एक और लेते हैं. आपको पूजा करनी चाहिए थी. यू ought to have worshipped. Have you understood? Friends, should have, must have और ought to have. Friends, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं past का unfulfilled action. क्या बताते हैं? Past का unfulfilled action. यानी जो past का ऐसा action जो complete नहीं हुआ. देखिए, उसे वहां जाना चाहिए था. इसका मतलब वो वहां गया नहीं. रोहन को मुझसे बात करनी चाहिए थी. इसका मतलब रोहन ने बात की नहीं. देखिए, उसे यहां जरूर आना चाहिए था. इसका मतलब वो यहां आया नहीं.
नेक्स्ट देखिए, आपको हिंदी जरूर सीखनी चाहिए थी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हिंदी सीखी नहीं। देखिए, उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था, इसका मतलब उसने सम्मान नहीं किया। आपको पूजा करनी चाहिए थी, इसका मतलब आपने पूजा नहीं की। तो ध्यान रखें कि कोई भी मॉडल्स का जो पास्ट वर्जन होता है वो बताता है पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। हैव यू अंडरस्टूड? आप एक बार देख लें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको शुड, मस्ट और ऑट टू अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, आप साथ के साथ उतारते जाएं और कुछ सेंटेंस को सॉल्व करें। ओके, फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आप जल्दी इनको सॉल्व कर लें।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने बना लिए होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। हमें सुबह दौड़ना चाहिए, वी शुड रन इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास, रोहन को यहां आना चाहिए, रोहन शुड कम हियर। नेक्स्ट है बच्चों, उसे गाना गाना चाहिए, ही शुड सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है आपको वहां काम जरूर करना चाहिए, यू मस्ट, क्योंकि जरूर आ गया तो मस्ट लगाना है हमें, यू मस्ट काम करने के लिए वर्क और वहां की देयर, यू मस्ट वर्क देयर। नेक्स्ट है राधिका को कपड़े जरूर धोने चाहिए, राधिका मस्ट वॉश द क्लॉथ्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे सामने, आपको अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स ये सोशली रिक्वायर्ड है तो हमें क्या लगाना है यहां पर, यू ought to, you ought to respect आपके अध्यापक, अपने अध्यापक को आते, you ought to respect your teachers। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास, उसे सोना चाहिए था। फ्रेंड्स ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है, पास्ट वर्जन कैसे बनाते हैं, उसे सोना चाहिए था, he should have slept, रोहन को वहां जवाब जरूर देना चाहिए था। फ्रेंड्स रोहन मस्ट हैव रिप्लाइड देयर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, आपको पूजा करनी चाहिए थी, यू ought टू हैव worshipped। फ्रेंड्स लास्ट है हमारे पास, उसे अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए थी, ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश। फ्रेंड्स आप एक बार देख लें, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आपने चेक कर लिए होंगे और आपने सही बनाए होंगे। फ्रेंड्स यहां पर को और कर लेना, रोहन को यहां जरूर आना चाहिए, सॉरी रोहन को यहां आना चाहिए, रोहन शुड कम हियर। फ्रेंड्स वीडियो को कई बार देखें ताकि आपको शुड मस्ट और ऑट टू अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।